हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक टेलीविजन के इस कमाल के एपिसोड में। मैं हूं संतोष अजगल्ले और आज हम एक बहुत ही यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे खुद गूगल ने ही लॉन्च किया था। लेकिन पता नहीं क्यों गूगल प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इस एप्लीकेशन को गूगल के ही प्ले स्टोर ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अमेजिंग फीचर आपको मोबाइल चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, लेकिन इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में ढूंढने पर अभी आपको नहीं मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को अभी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी यही सोचते हो कि काश आप इमरजेंसी में यूज करने के लिए अपना कुछ इंटरनेट डाटा स्टोर करके सेफ रख सको, जिसे आप जरूरत पड़ने पर बाद में यूज कर सको, तो अब आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है और आप ऐसा जरूर कर सकते हो, क्योंकि आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ वह एप्लीकेशन आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है। गाइस, प्रेजेंटिंग टू यू गूगल एप्लीकेशन डेटाली, जिसकी मदद से आप अपने इंटरनेट डाटा को एक अलग ही लेवल पर मैनेज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में कई सारी यूनिक फीचर है जो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको डाटा सेवर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक करके ऑन करने के बाद आप डाटा सेवर मोड को एक्टिवेट करके अपना फिजूल में खर्च होने वाले इंटरनेट डाटा को बचा सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है मैनेज डाटा का, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आज आपके मोबाइल का कौन सा एप्लीकेशन कितना डाटा कंज्यूम कर चुकी है, या फिर वो सारे एप्लीकेशन जो बिना यूज के भी बैकग्राउंड में इंटरनेट डाटा यूज कर रही है, और जो एप्लीकेशन बिना यूज के भी जरूरत से ज्यादा इंटरनेट डाटा कंज्यूम कर रही हो, तो उस एप्लीकेशन के सारे परमिशन को डिसेबल कर दो और अगर वह एप्लीकेशन ज्यादा जरूरी ना हो तो डिलीट ही कर दो। इस एप्लीकेशन में आप अपने इंटरनेट यूजेस का एक लिमिट भी सेट कर सकते हो। जितना लिमिट आपने सेट किया होगा उतना यूज होने के बाद इंटरनेट डाटा अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद अनब्लॉक करने पर ही आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। इस फीचर का यूज आप तब करना जब आप इंटरनेट यूज के लिए अपना मोबाइल किसी दूसरे को देते हो। इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन में टाइम मोड को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब आपके सोने का टाइम सेट कर सकते हो, जैसे रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। इससे होगा ये कि जब आप सो जाओगे आपका इंटरनेट डाटा भी सोता रहेगा, मतलब आपका इंटरनेट डाटा यूज नहीं होगा। इसके बाद यह एप्लीकेशन आपको ट्रैक हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन देती है। अगर आप किसी को अपना हॉटस्पॉट देते हो तब भी आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि कितना डाटा सामने वाले को देना है। बबल ट्रैकर, यह भी इस एप्लीकेशन का एक शानदार फीचर है। बबल ट्रैकर इनेबल करने के बाद जब भी आप इंटरनेट यूज करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक छोटा सा बबल आ जाएगा जो लाइव दिखाता रहेगा कि आप कितना इंटरनेट डाटा यूज कर चुके हैं। अब बारी आती है इस एप्लीकेशन के उस फीचर की जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे, इमरजेंसी बैंक। यही वो फीचर है जिसमें आप अपना इंटरनेट डाटा स्टोर करके सेफ रख सकते हो और उस इंटरनेट डाटा को इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली इस एप्लीकेशन के इमरजेंसी बैंक को ओपन करना है, एड बैलेंस डिटेल पर क्लिक करना है, फिर इसमें आप कितना डाटा स्टोर करना चाहते हो वो फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 300 MB और मेरे पास अभी बचा है 850 MB। उसके बाद इस स्टोर किए हुए बैलेंस की एक्सपायरी डेट सेट कर देंगे कि कब तक हम इस स्टोर किए हुए डाटा बैलेंस को यूज करेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा इंटरनेट डाटा स्टोर हो चुका है जिसे हम इमरजेंसी में यूज कर सकेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसके अलावा भी यह एप्लीकेशन आपको फ्री में VPN सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जो कि सोने पे सुहागा है। डेटाली एप्लीकेशन अभी आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आप इसे 9 एप्स के एप स्टोर से आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हो। डेटाली गूगल का ही एक स्मार्ट एप है, लेकिन गूगल प्रोडक्ट होने के बावजूद भी यह अभी प्ले स्टोर पर नहीं है। इसका रीजन मैं समझ नहीं पाया, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक टेलीविजन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। फिर मिलेंगे इसी तरह की अमेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।